हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं गाइस लेकर आया हूँ डोम्स के एक्रेलिक कलर, जो कि मेरे को मार्केट में पड़े हैं 100 रुपये के को टोटल, और इसके ऊपर मुझे मिलती है एक प्लेट 15 रुपये की फ्री। इसके साथ ये इनके नीचे इसका प्राइस है, और ये पूरा सेट जो है 12 शेड्स का है। इसमें 12 वाटर कलर्स आएंगे, और इसके साथ मुझे देखो यहाँ पर लिख भी रखा है रेड राइटिंग में, 1 ब्रश एंड 1 कलर प्लेट इसके साथ जो है मुझको मिली है। इसको मैं जल्दी से आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। बट गाइस, मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो पैक है पूरा, ये स्टूडेंट्स वाटर कलर है, ये आर्टिस्ट वाला नहीं है। मैं आर्टिस्ट वाला भी लेकर आ सकता था, लेकिन मैंने उससे पहले ये ख़रीदा। मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। मैंने एक ड्राइंग इससे ड्रॉ करके देखेंगे तो खोलने में कुछ ये अंदर से ऐसा है, ट्यूब वाला जो मैंने ख़रीदा है पूरा, तो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है डोम्स का। इसमें सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा वाइट, उसके बाद पर्पल, कैरोलाइन रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, डार्क येलो, ब्राउन, डार्क ग्रीन, ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक, एंड इसके साथ में एक ये ब्रश हमको देखने के लिए मिलता है। एंड जो इसके साथ एक प्लेट फ्री मिलती है, उसको देखते हैं अंदर से वो कैसी है। तो निकालने के बाद तो ये कुछ ऐसी दिख रही है, साइज़ में थोड़ी छोटी है। इसके अंदर कलर आ सकते हैं वैसे अगर हम रखें तो, लेकिन ये मेरे हिसाब की नहीं है। अगर मेरे को बड़े वर्क करना होगा कोई, तो उसमें कलर मुझे ज़्यादा चाहिए होंगे और वो इसमें नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे छोटा वर्क करने के लिए, जैसे कुछ ड्रॉ करना है, छोटा मोटा बनाना है ऐसे स्टूडेंट, तो आप इसको कर सकते हो यूज़ में। एंड मैं आपको अपनी प्लेट दिखाता हूँ जिस पे मैं रख के करता हूँ, तो वो इस तरह का कुछ प्लास्टिक मॉडल ढक्कन है। अगर मैं कुछ ड्रॉ करना हो और इस पे कलर रखना हो, तो वो अच्छे से मेरा काम हो जाता है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल की, जो कि है फाइबर कैस्टल के ब्रशेज, जो कि मैं लेकर आया था 160 रुपये के। इस पे लिख रहा हुआ है 175, और इन्हीं कलर्स और ब्रशेज का यूज़ करके मैं आपको आज एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जो कि कंप्लीट एक्रेलिक कलर से बनाऊंगा मैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। कलर से ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला है, तो आपके सामने है जो कुछ है। आप कमेंट करके बता सकते हो मुझको कि ये कैसा लग रहा है फिलहाल देखने में, और इसकी स्मूथनेस कैसी है। और मुझे जो जैसा लगता है कि ये कलर ना बिल्कुल अच्छा है, तो इसे ड्रॉ करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं कह सकता हूँ ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल यूज़फुल है, और मैंने इसको ख़रीद कर कोई गलती नहीं की है। और आप भी इसको अपनी डेली ड्रॉइंग में यूज़ कर सकते हो।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ऐसी ही वीडियोज़ और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।